हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देख लिया ना, उससे पंगा लेने का अंजाम, उससे पंगा लेने का। बस ये उंगली एक लड़की की है जिसकी उम्र 22 से 25 साल के बीच में है। सर कोई और खास बात? हाँ, एक खास बात पता चली है। ये उंगली जिस किसी भी लड़की की है उसे जरूर कोई किडनी की तकलीफ और फंगल इन्फेक्शन हुआ है। इतनी कम उम्र में किडनी की बीमारी? बीमारियां आजकल उम्र देख के नहीं होती हैं फ्रेडी। निखिल एक काम करो, पता लगाओ इस हफ्ते भर में 22 और 25 साल की उम्र की कितनी लड़कियां गायब हुई हैं और उनके गायब होने के रिपोर्ट्स लिखवाए गए हैं। सर हाँ। सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस लड़की की उंगली वहां तक पहुंची कैसे। मच्छी ले लो, मच्छी, ताजी ताजी मच्छी, पापलेट, सुरमई, झींगा, मच्छी ले लो, ताजी ताजी मच्छी, मच्छी ले लो, मच्छी, ताजी ताजी मच्छी। मच्छी ताजी है ना? एकदम ताजी। दो हाथ। नहीं सर। बांकड़ा कोनी। पापलेट कैसा दिया है? अच्छा साहब। 800 कुछ है? अरे पापलेट बेच रही या सोना? अरे क्या साहब, मैं मजाक करते है, सोना किधर 800 में मिलेगा, एकदम सही भाव है। ये 500 रख और सारी पापलेटें बांध दे। नहीं नहीं साहब, मेरा आदमी बहुत मेहनत करके मच्छी पकड़ के लाता है, ये भाव नहीं परवड़ेगा। ये 100 और 600 रख ना, आपका ना मेरा, 750 लूंगी। बोलो बांधो मच्छी। 600 अपना आखिरी ऑफर है, वरना बाजार में और भी बहुत अच्छी जगह अच्छी मच्छी मिलती है। हाँ साहब, आप उधर से ही लो, आपका भी भला होएगा, उनका भी भला होएगा। दो हाथ दो जरा। ये तो अजीब मुसीबत है। मच्छी ले लो, मच्छी, अजीब मच्छी वाली है तो। ताजी ताजी मच्छी। अरे वो मच्छी वाली जिंदा है क्या? है भाभी, आइए। मच्छी ले लो, मच्छी। ओ ताई, यहाँ ना, आली आली। सिंगाड़ा है क्या? आए आए, आधे मुला। ये बगा, देखने में तो ठीक लग रही है, जरा काट के बताना। क्या मेम साहब, बाहर से जितना ताजा है अंदर से भी उतना ही ताजा है। ये देखो। अभी ने फोन किया जी, जरा इससे पूछिए इस मछली में इंसान की उंगली कहाँ से आई। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, सच्ची मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब कुछ नहीं मालूम? ये मछलियाँ तुम ही लाई थी ना? जी साहब, 5 साल से मछलियाँ बेच रही हूँ, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ साहब। ये मछलियाँ तुम्हारा पति पकड़ता होगा? जी, पर वो तो बहुत सीधा आदमी है, उसने कोई गड़बड़ नहीं की। तो फिर ये मच्छी कहाँ से पकड़ के लाया? वो तो नहीं मालूम, वो ही बता सकता है। बुला उसे। कि वो मछलियाँ पकड़ने गया है, शाम तक लौटेगा। बाकी की मच्छियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करो, रिकॉर्ड रखो, तो बोलो CID ब्यूरो आके मिले। जी साहब।
रेडी? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं मतलब? कुछ बात तो जरूर है रेडी। देखो जब मैं परेशान था ना तो तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का किया था, आज मेरी बारी। चलो बताओ क्या है? सर मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है और उस जुर्म का प्रायश्चित तो मैं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। जुर्म किया? कैसा जुर्म? कैसे बताऊं सर, बताते हुए भी शर्म आ रही है, खुद पे गुस्सा आ रहा है, मैं इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूं? अरे ऐसा क्या गुनाह किया है? चलो मुझे बताओ प्लीज। एक शर्त पे बताऊंगा। ठीक है क्या शर्त है बोलो। किसी को बताओगे तो नहीं? अरे फ्रेडी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। देखो तुमने मेरी बात अपने तक रखी थी, तुम्हारी बात भी मैं अपने तक रखूंगा। चलो बोलो। कान में बताऊंगा। ठीक है। इतनी सी बात है? इस बात के लिए तुम अपने आप को गुनहगार कह रहे थे, मुजरिम कह रहे थे? अरे आप हंस रहे हो सर, एक शादीशुदा आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। आदमी खुद का जन्मदिन भूल जाए तो भी चलता है, लेकिन उसे कभी भी अपनी सासू माँ का जन्मदिन नहीं भूलना चाहिए। अब सारी बात समझ में आई मुझे। तुम अपनी सासू माँ का जन्मदिन भूल गए राइट, और इस बात को लेके भाभी जी नाराज हो गए राइट? नाराज? अरे सर उसने मुझे घर का खाना देना बंद कर दिया है, पिछले 2 दिन से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, पेट का बैंड बज गया है बैंड। ये आवाज कैसे? अरे सर कुछ नहीं, फ्रेडी के पेट के रोने की आवाज है सर। ये फ्रेडी तुम्हारे पेट के रोने की आवाज थी? माय गॉड कितनी बार कहा है तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखो, अरे जाओ जरा दौड़ो कसरत करो क्या। चलो जाओ मछुआरे को लेकर आओ जिसके मछली में से उंगली मिली थी, जाओ और दौड़ के जाओ। मिसिंग पर्सन ब्यूरो से क्या पता चला? सर इस हफ्ते 5 ऐसी लड़कियों की रिपोर्ट लिखवाई गई है जो मिसिंग है, जिनकी उम्र 22 से 25 के बीच में। 5 लड़कियां हैं 22 और 25 साल की उम्र की, उनके घर वालों से जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से पूछताछ करनी पड़ेगी। सर अरे वो मछली जिसमें से उंगली मिली थी कहाँ पकड़ी थी तुमने वो? साहब वो मछली मैंने समुंदर से पकड़ी थी। समुंदर से? सर इतने बड़े समुंदर में एक लड़की को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वही तो, और एक बार पता चल जाए ना कि वो उंगली है किस लड़की की तो सारा राज धीरे धीरे खुल जाएगा। वही तो राज है उस उंगली के पीछे, पर क्या और है किसकी वो उंगली, क्या है ये राज? किरण की तो मौत हो गई? सर हम तो किरण के बारे में जानकारी हासिल करने आए थे, लेकिन यहाँ तो जी आप माफ कीजिएगा, आप किरण के पिताजी? हाँ जी मैं ही हूँ, किरण का भागा पिता। ठीक है मैं जानता हूँ ये वक्त गलत है, पर हमें किरण के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या आप पुलिस वाले? हम लोग CID से हैं। CID से? पूछो क्या पूछना चाहते हो? दरअसल हमें एक उंगली मिली है, कटी हुई उंगली, और हमें शक है कि वो उंगली आपकी बेटी किरण की है। देखिए हमारी जवान बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, हम लोग वैसे भी बहुत सदमे में हैं, और आप इस तरह की बातें करके हमारे गम का बोझ और मत बढ़ाइए। सवालों पे आपको मैं आपका दुख समझता हूँ, क्या किरण को किडनी की बीमारी थी? हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम? और उसे फंगल इन्फेक्शन भी था। जी किडनी फेलियर की वजह से। देखिए जिस किसी की भी ये उंगली है उसे ये बीमारी थी, अगर आप बुरा ना माने तो हम किरण का हाथ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह आपको अपनी मरी हुई बेटी का सबके सामने अपमान नहीं करने दूंगी। शांत हो जाओ, इन्हें जांच करने दो।
जाए। ठीक है, अगर आपके लिए जरूरी है तो आप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर इसकी उंगलियां तो ठीक है मगर नाखून नहीं है। हाँ सर। किरण तो लापता थी, फिर आपको कब मिली? कल ही मिली हमें इसकी लाश आरके हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम से। मॉर्ग रूम? जी हाँ। देखिए मैं जानता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, पर हमें किरण की लाश फॉरेंसिक लैब ले जानी होगी जांच के लिए। बिल्कुल नहीं। शांत हो जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते। शांत हो। किरण की लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। ये उंगली किरण की नहीं है ना? हाँ बस, ये उंगली किरण की नहीं है। तो फिर किसकी है सर? ये उंगली किसी 50 से 55 साल के बुजुर्ग की है। लेकिन सर आप ही ने तो कहा था कि ये उंगली किसी लड़की की है। हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ नाखून के बलबूते पर कहा था। मगर सर यार गलती हो गई, मानते हैं हमसे गलती हो गई, हम ही इंसान है बॉस। हाँ हाँ सांखे यार, मगर प्रॉब्लम ये है कि किरण के घर वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने वाले थे बॉडी। बहुत तकलीफ हुई थी अभिजीत और निखिल को जब वो वहां पहुंचे थे। आई एम सॉरी बॉस, रियली वेरी सॉरी। लेकिन अब मैं कन्फर्म हूँ, ये उंगली किसी 50 से 55 साल के बुजुर्ग की है और उसे ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर? हाँ सर, और उनको मरे हुए 4-5 दिन हो चुके होंगे। कुछ और पता चला? हाँ, ये देखो बॉस, ये उंगली बहुत बुरी तरह से कुचल गई है किसी भी वजह से। किसी एक्सीडेंट की वजह से? हाँ हो सकता है। निखिल एक काम करो, किरण की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई और हम माफी चाहते हैं। रजत पता लगाना पड़ेगा किसी ऐसे आदमी का जिसकी उम्र 50-55 की है और जिसे ब्लड कैंसर है और जिसकी उंगली बुरी तरह से कुचल गई है एक्सीडेंट में। देखते हैं इस हॉस्पिटल से क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी? क्या बात है सर, किसी का खून हो गया क्या? हाँ, हमें ये पता करना है कि कुछ दिन पहले आपके हॉस्पिटल में एक 50-55 साल के बुजुर्ग अपना कैंसर का इलाज कराने आए थे क्या? सर यहाँ सभी मरीज कैंसर का इलाज कराने ही आते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं सर? उन्हें ब्लड कैंसर था और एक हादसे में उनके हाथ का आगे का हिस्सा खराब हो गया था, इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था उसका। अरे बाप रे, जिस इंसान को कैंसर था उसके साथ ही हादसा भी हो गया। जिंदगी भी ना पता नहीं कितना कष्ट देती है कई लोगों को। सर मैं चेक करके बताता। प्लीज। हाँ सर आप ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही एक बुजुर्ग की डिटेल है यहाँ पे। अच्छा, नाम क्या उनका? सर इनका नाम पुनीत नाम है सर इनका। एड्रेस क्या? सर 32 VRB रोड ज्योति नगर। ज्योति नगर। जी कहिए। CID। CID? आप लोग मेरे पापा के सिलसिले में बात करने आए ना, क्या वो मिल गए? जी नहीं, दरअसल बात थोड़ी सीरियस है। सीरियस? क्या हुआ सर? सर मेरे पापा ठीक तो है? जवाब दीजिए सर। बात यह है कि हमें कटी हुई उंगली मिली है। कटी हुई उंगली? जी हाँ, और हमें शक है कि वो उंगली आपके पिता पुनीत जी की है। क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, यही सच है। कहाँ मिली उंगली? मछली के अंदर। मछली के अंदर? जी हाँ। लेकिन आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो उंगली मेरे पापा की है? देखिए वो उंगली किसी 50-55 साल के आदमी की है जिसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? हे भगवान, तेरे पापा को भी ब्लड कैंसर था, कहीं वो उंगली। संभालिए अपने आप को, ये बताइए आपके पिताजी गायब कैसे हुए? 3 दिन पहले मेरे पापा फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो उनके दोनों हाथ मशीन के अंदर आ गए, और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर हटिए, रास्ता दीजिए, मेरे पापा को बहुत दर्द हो रहा है, रास्ता दीजिए, कोई है डॉक्टर से बुलाओ, डॉक्टर। एक डॉक्टर भी नहीं है मेरे पापा को देखने के लिए।
घबराना मत पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है डॉक्टर, 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहे हैं? मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। कहाँ है वो? बाहर स्ट्रेचर पे। आप प्लीज आइए मेरे साथ। कहाँ है आपके पिताजी? यहीं पे तो थे, कहाँ चले गए? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं डॉक्टर साहब, यहीं पे तो थे, मैं भी उन्हें स्ट्रेचर पे लाया था। पापा, 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 नर्स, मेरे पापा कहाँ? मैं अभी उन्हें स्ट्रेचर पे लेके आया। नहीं, मैंने नहीं देखा आपके पापा को। नहीं देखा, नहीं देखा पापा। भाई साहब, भाई साहब, मेरे पापा कहाँ? मेरे पापा कहाँ? मुझे क्या पता? नहीं पता कहाँ गए मेरे पापा। पापा, पापा, पापा। कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? आरके हॉस्पिटल। आरके हॉस्पिटल? सर ये तो वही हॉस्पिटल है ना जिसके मॉर्ग में किरण की लाश रखी गई थी। कहीं दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं? आरके हॉस्पिटल। सालुंके, तरीका सालुंके कहाँ? हाँ सर, सालुंके सर, वो एक्चुअली सर। एक्चुअली वो कहाँ है? सालुंके कहाँ है? सर दरअसल बात यह है कि मैं क्या कह रही थी। कहाँ है सालुंके? कुछ गड़बड़ किया है क्या उसने? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? वहां क्यों देख रही हो सालुंके? सालुंके सर वहां पे मत जाइए, वहां पे कोई नहीं है। सालुंके, सालुंके, ये क्या बचपन है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं क्या मैं क्या हा? जरूर कुछ गड़बड़ किया तूने। नहीं नहीं गड़बड़ कुछ नहीं की बस। तो फिर ऐसे छुप के क्यों बैठा? मैं निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अरे फिर बचपना? तुम मुझे कुछ कहोगे नहीं। तू पहले बाहर आ। हाँ निकलता हूँ, निकलता हूँ। क्या हुआ बता? क्या गड़बड़ की है तूने? नहीं गड़बड़ कुछ नहीं की है बस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता है? बस वो जो उंगली है, हाँ वो उंगली एक लड़की की भी है और एक आदमी की भी। क्या कहा तूने? ये उंगली एक लड़की की भी है और एक आदमी की भी? हाँ। क्या बात कर रहे हैं सारों के साथ, एक उंगली तो एक ही इंसान की हो सकती है ना, अब ये उंगली एक आदमी और एक लड़की दोनों की कैसे हो सकती है? वो इसके रजत, ये पूरी की पूरी उंगली है तो पुनीत जी की, लेकिन उस पर जो नाखून लगा हुआ है वो है किरण का। ये उंगली है पुनीत की पर नाखून लगा है किरण का? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि नेल क्राफ्टिंग किया है? Exactly, बॉस। यही मैं कहना चाहता हूँ बॉस। ये जो उंगली थी ये कुचली हुई थी और इस कुचली हुई उंगली पर किसी का नेल ग्राफ्ट किया गया है। नेल ग्राफ्टिंग का मतलब है अगर नाखून टूट जाए तो उसकी जगह पे ऑपरेशन के जरिए किसी और का नाखून लगवाना। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला भाई? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं सड़ूखे, किसी भी ग्राफ्टिंग में, मेरा मतलब है ऑर्गन ग्राफ्टिंग में, चलो हम नेल ग्राफ्टिंग समझते हैं। अगर उंगली आदमी की है तो उसके ऊपर नाखून लगेगा आदमी का ही, और अगर लड़की की उंगली है तो उस पर नाखून लगेगा लड़की का, है ना? नहीं तो ये रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बॉस, ये क्या है? ये किस अनाड़ी डॉक्टर ने किया है? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। मगर जो कुछ भी हुआ है आरके हॉस्पिटल में ही हुआ है, क्योंकि पुनीत भी गया था आरके हॉस्पिटल में और किरण की लाश भी मॉर्ग में थी आरके हॉस्पिटल में। तो गड़बड़ जो कुछ भी है उस आरके हॉस्पिटल में ही है। जी कहिए। मैं सीआईडी से हूँ, पुनीत जी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पुनीत? कौन पुनीत जी? राहुल के पिताजी। ये राहुल, कुछ याद आया आपको? ये अपने पिता के इलाज के लिए आपसे विनती करता रहा और इसी बीच पुनीत जी हॉस्पिटल से गायब हो गए। अच्छा अच्छा, राहुल के पिताजी, इनकी बात कर रहे हैं आप? सर वो हॉस्पिटल से कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। कमाल, कैसा हॉस्पिटल है? एक घायल मरीज यहाँ से गायब हो जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता? सर पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन जब बाद में पता चला तो सचमुच सर मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा, वो आदमी कहाँ गया? तुमने कुछ देखा कैसे नहीं? एक आदमी हॉस्पिटल से अचानक गायब हो जाता है और तुम कहते हो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। पुनीत जी के हाथों से खून बह रहा था, वो दर्द से कराह रहे थे और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। कमाल है,
साहब मैं बिल्कुल आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें अंदर आते हुए तो देखा था पर बाहर जाते नहीं, वो इस गेट से बाहर नहीं गए। अगर इस गेट से बाहर नहीं गए तो क्या हॉस्पिटल में कोई और भी रास्ता क्या बाहर निकलने का? हाँ साहब, शायद वो दूसरे गेट से गए होंगे। दूसरे गेट से? अच्छा, उस गेट पे कोई वॉचमैन रहता है? जी साहब, वहाँ रघु नाम का वॉचमैन बैठता है। अच्छा, वो गेट किस तरफ है? साहब उस तरफ है। तो आपने भी उस घायल आदमी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं। कमाल है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सारिका है, मेरे डॉक्टर राकेश के साथ अपॉइंटमेंट है नेल ग्राफ्टिंग के लिए। एक मिनट में। हेलो डॉक्टर, मैं सारिका आई आपसे मिलने के लिए। ओके डॉक्टर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। यहाँ नेल ग्राफ्टिंग भी होती है? जी हाँ, नेल ग्राफ्टिंग होती है यहाँ पे। वो लगता है पुनीत जी का ऑपरेशन यहीं हुआ होगा। आशा, कुछ पता चला? सर, नेल ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में किया जाता है। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इस हॉस्पिटल में हुआ होगा। हो सकता है सर। हाँ निखिल, ओके ठीक है, तुम हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पे रहो, मैं मिलता हूँ। तुम लोग जरा नेल ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट से बात कर लो, मैं अभी आता हूँ। हाँ निखिल। सर ये रघु हैं, उस दिन गेट पे ड्यूटी पे आई थे, अभी सो रहे हैं। सर लगता है हमारे देश के आधे वॉचमैन को ही बीमारी है ड्यूटी पे सोने की। ये बीमारी कम हो जाएगी तो जुर्म भी कम हो जाएंगे। उठाओ इसे। हे, हट, हट। क्या यार, इतना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने बेवजह जगा दिया। अच्छा, क्या देख रहे थे सपने में आप? देख रहा था मैं हमारे देश के क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया, मैच चल रहा है और आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए। ए, मैच खत्म, CID। माफ करना सर। ड्यूटी पे सोता है? सोने की पुरानी बीमारी है साहब, छूटती नहीं। अगर फिर से ड्यूटी पे सोया ना तो सीधा जेल में जाएगा, समझा? नहीं साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा ये बता, अभी 2-4 दिन पहले इस गेट से किसी बुजुर्ग आदमी को जाते हुए देखा जिनके दोनों हाथ से खून बह रहा था? हाँ साहब, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। उसके बाद वो दाएं तरफ की ओर चला गया। दाएं तरफ? दाएं तरफ क्या? दाएं तरफ शायद ऑटो स्टैंड की तरफ चला गया होगा वो। इधर आगे ऑटो स्टैंड है क्या? हाँ साहब। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। अरे सुनो, यहाँ इधर पीछे हॉस्पिटल से 2-3 दिन पहले एक आदमी आया था जिसके दोनों हाथ से खून बह रहा था, उसको तुमने देखा था क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे सुनो भाई साहब, ये सामने वाली हॉस्पिटल से 2-3 दिन पहले एक आदमी आया था जिसके दोनों हाथों से खून बह रहा था, कहीं छोड़ा उसे अपने ऑटो में? अरे सुनो भाई साहब। जी साहब। ये सामने वाली हॉस्पिटल से 2-3 दिन पहले एक आदमी आया था जिसके दोनों हाथों से खून बह रहा था, उसे आपने अपने ऑटो में कहीं छोड़ा क्या? जी साहब याद आया, मैंने तो उसे अपने ऑटो में बिठाया था। साहब उसके दोनों हाथों से इतना खून बह रहा था कि मेरी ऑटो के अंदर चारों तरफ खून ही खून हो गया और शाम को मुझे ऑटो धोना भी पड़ा अपना। कहाँ छोड़ा, कहाँ था उस आदमी को तुमने? साहब याद आया, पुष्पा रोड के पीछे ना एक पुरानी झील है, वहाँ छोड़ा था उसको। सर ऐसी हालत में एक आदमी इलाज कराने के बजाय पुरानी झील की तरफ क्यों जाएगा? ये बात तो है, जरूर कुछ ना कुछ होगा उस झील के पास में। अच्छा, जब उस आदमी को झील के पास छोड़ा था वहाँ पे कोई और आदमी भी था? नहीं साहब, वहाँ कोई नहीं था, बल्कि वो जगह ना एकदम सुनसान थी। मतलब जो कुछ भी हुआ है उस पुरानी झील के पास ही हुआ है, शायद किसी ने पुनीत को मार के उसमें डाल दिया और फिर उसकी उंगली उस झील के अंदर मछली के पेट तक पहुंच गई। मुझे कल तक तुम सब के असाइनमेंट्स चाहिए, ओके? सब प्लीज एक हफ्ता और दे दीजिए। नो जिमी, जिंदगी में डेडलाइन की कुछ अहमियत होती है, उसका पालन करना सीखो। अरे आप लोग? जी हम लोग CID से। CID? जी हाँ CID। तुम लोग जाओ। ओके सर। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस हॉस्पिटल में नेल ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट आप ही हैं ना? जी हाँ। तो आप ये बताएंगे कि किसी आदमी की उंगलियों पे औरत के नाखून लगाए जा सकते हैं? वैसे तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। हम यहाँ लड़के के हाथ में लड़के के और लड़कियों के हाथ में लड़कियों के ही नाखून लगाते हैं। तो फिर आपने पुनीत के हाथों पर किरण के नाखून क्यों लगाए? कौन पुनीत और किस किरण की बात कर रही हैं आप? हम इस पुनीत और इस किरण की बात कर रहे हैं। ये पुनीत है और ये किरण, कुछ याद आया आपको?
अरे ये तो हाँ, लाश की फोटो है। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता। देखिए आप झूठ मत बोलिए, ये पुनीत है जो अपने बेटे के साथ यहाँ पे आए थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था, और ये किरण जो आपके हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में थी। देखिए इस हॉस्पिटल में सैकड़ों मरीज होते हैं, मैं सबके नाम तो याद नहीं रख सकता। मैं आपके सवाल के जवाब में इतना ही कहूंगा कि मैंने ऐसी नेल ग्राफ्टिंग कभी नहीं की। आपने नहीं किया तो इस हॉस्पिटल में किसी और ने किया होगा। मगर मेरे अलावा कोई भी डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नेल ग्राफ्टिंग करना जानता ही नहीं। लेकिन आपके स्टूडेंट्स तो जानते हैं ना। मेरे स्टूडेंट्स? जी हाँ, आपके स्टूडेंट्स। उनका नाम नंबर चाहिए हमें। नाम और नंबर? जी हाँ। क्यों? उनकी खातिरदारी जो करनी है, और उसके लिए उन्हें ब्यूरो ले जाना होगा। देखिए हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि मिस्टर पुनीत की नेल ग्राफ्टिंग तुम में से किसी ने की है। बताओ किसने की है? सर हम लोग तो स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, हम ऐसे क्यों करेंगे। जीके हॉस्पिटल के नेल ग्राफ्टिंग सर्जन का कहना है कि उन्होंने इस तरह की नेल ग्राफ्टिंग बिल्कुल नहीं की, तो बचते हैं सिर्फ आप लोग। बोलिए आप में से कौन है जिसने ये नेल ग्राफ्टिंग की? कौन है जिसने किरण की उंगलियों के नाखून पुनीत जी को लगाए? सर अगर हमें नेल ग्राफ्टिंग करनी होती तो हम लड़की के नाखून पुनीत जी को क्यों लगाते? ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है सर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त किरण की लाश भी तुम्हारी हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में पड़ी हुई थी। तुम लोगों ने सोचा कि क्यों ना किरण के ही नाखून लगा दिए जाए। अरे क्या हुआ, तुम्हें तो बड़े पसीने आ रहे। लो पहुंच लो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। रेडी, इसे सिर्फ पसीना ही नहीं आ रहा है, इसके तो हाथ भी कांप रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जिमी। जिमी, कहीं ये नेल ग्राफ्टिंग तुम्ही ने तो नहीं की? नहीं सर। देखो जिमी झूठ मत बोलो, झूठ बोलना भी एक अपराध है, समझे? सर माफ कर दो सर, गलती होगी, पुनीत अंकल की नेल ग्राफ्टिंग मैंने की थी। जिमी तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मैं क्या करता, मैं मजबूर था। ओह नो, ये कैसे हुआ? आपका तो बहुत खून बह रहा है। काम करते वक्त बेचारे का हाथ मशीन में आके बेटा उंगलियों के नाखून खराब हो गए। अंकल अगर नाखून खराब हो गए हैं तो हो सकता है नेल ग्राफ्टिंग करानी पड़े। पर बेटा इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। देखो बेटे, ना तो इनकी इतनी हैसियत है और ना ही इनके बेटे राहुल की इतनी हैसियत जो लाखों रुपए के इलाज का खर्च उठा सके। देखिए अंकल, मैं 25-30 हजार तो दे सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बेटा तुम गलत समझ रहे हो, हमें पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें नेल ग्राफ्टिंग आती है ना? हाँ अंकल। बस बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम मेरी उंगलियों को नाखून लगा दो। नहीं अंकल, आप तो जानते हैं ना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और अंकल मुझे ये सब करने की अनुमति नहीं है। नहीं बेटा, हमें पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। नहीं अंकल। हाँ बेटा, और फिर तुम डॉक्टर लोगों की भलाई के लिए तो बन रहे हो ना? हाँ अंकल, पर मना मत करना, अगर मेरा हाथ बेकार हो गया तो फिर मैं खर्चा कैसे चला पाऊंगा बेटा। ठीक है अंकल, मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन लेकिन अभी नहीं, रात को। और आप लोग पिछले दरवाजे से आना प्लीज अंकल, इसके बारे में किसी को पता ना चले। नहीं बेटा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, इस बारे में राहुल को भी मत बताना। ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखना। शुक्रिया शुक्रिया बेटा। सर पुनीत अंकल राहुल को ये बात इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि इलाज के लिए पैसा ना होने की बात सुनकर राहुल बहुत उदास हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। फिर भी तुमने ये गलत काम किया है, अपने डॉक्टरी ज्ञान का गलत फायदा उठाया तुमने। सर मैं क्या करता, जिन हाथों ने मुझे बचपन में झूला झुलाया, चोट लगने पर मरहम लगाया, सर जिन हाथों ने मुझे भूख लगने पर खाना खिलाया, उन हाथों को खून से लहूलुहान कैसे छोड़ देता? सर मैं पुनीत अंकल के साथ ऐसा कैसे कर सकता था सर? ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम आपको फिर बुलाएंगे। जी सर। पुनीत जी हॉस्पिटल से सीधा पुरानी झील की तरफ गए थे, उन्हें अब झील के आसपास ही तलाशना होगा। कुछ तो बोलिए सर। सर सर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कहाँ आ गए सर? सर आप लोग ऐसे चुप रहेंगे तो प्लीज सर बताए ना हम लोग यहाँ पुरानी झील पे क्यों आए सर? क्योंकि पुनीत जी हॉस्पिटल से सीधे यहीं आए थे और हमें शक है कि नहीं सर, आप प्लीज ये मत कहिएगा कि आपको शक है कि मेरे पापा की लाश इस झील में है। मेरे पापा जिंदा है सर,
मेरा दिल कह रहा है कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आप लोग तलाशी शुरू कीजिए। मिला क्या सर? कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना सर, मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, पापा बिल्कुल ठीक है। देखो राहुल, जब तक अच्छी से राशि नहीं ले लेते कुछ कहा नहीं जा सकता। ढूंढो और ढूंढो। सर चाकू मिला है। चाकू ले क्या? और अंदर जाके देखो। सर यहां लाश है सर। लाश? लाश ला बाहर ले गया। ए जल्दी आओ, चलो पकड़ो लाश निकालो। संभाल के संभाल के। पापा पापा, ये नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। संभालो अपने आप को। वादा कीजिए सर, जिस इंसान ने मेरे सर से मेरे पापा का साया हटा है, आप उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज वादा कीजिए सर। मैं वादा करता हूँ, जिसने भी पुनीत जी की हत्या की है उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी। आप लोग साहब? हम लोग सीआईडी से, यहाँ के मैनेजर या मालिक जो कोई भी है जल्दी बुलाओ उन्हें। जी साहब। क्या हुआ साहब? मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ हरीश, और ये है यहाँ के मैनेजर दिलीप। मिस्टर हरीश, आपके फैक्ट्री में पुनीत नाम का एक आदमी काम करता था, हमें उसकी लाश पुरानी झील में से मिली है। लाश? लाश? जी हाँ लाश, जिस दिन उसकी मौत हुई ठीक उसी दिन आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए उसका हाथ किसी मशीन में आ गया था ना। हाँ साहब, आया था साहब। लेकिन साहब इसमें मशीन की कोई गलती नहीं है, पुनीत खुद ही बहुत लापरवाही से काम करता था साहब। बिल्कुल नहीं साहब, हमने पुरानी मशीनें बदलने के लिए इन्हें कई बार कहा, इन्होंने एक भी नहीं सुनी। अब इसका नुकसान तो हम मजदूरों को उठाना पड़ता है साहब। साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास सारी मशीनों की रसीदें हैं, आप खुद चेक कर लीजिए, मशीनों को ज्यादा साल नहीं हुए। वो तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे पुनीत के खून के बारे में जानने आए। क्या पुनीत का खून हुआ? हाँ खून, पहले किसी ने पुनीत को चाकू से मारा और फिर उसकी लाश को झील में फेंक दिया। पर साहब ऐसा क्यों करेगा कोई, और पुनीत की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। दुश्मनी थी ना, गगन के साथ। तब मुझसे? हाँ साहब, गगन ने पुनीत से 5,000 रुपए लिए और उसके बार बार समझाने के बावजूद भी ये उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था। ये सच है साहब कि मैंने 5,000 रुपए पुनीत से उधार लिए थे, मगर 5,000 रुपयों के लिए मैं पुनीत का खून क्यों करूंगा? क्यों नहीं, तुमने सोचा होगा कि पुनीत को मारकर वो पैसे वापस लौटाने ही नहीं पड़ेंगे। ये क्या बकवास है, सरासर झूठ है साहब। मैंने इनके ऊपर इल्जाम लगाया ना साहब, तो ये लोग उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं साहब। अच्छा पहले ये बताओ कि जब पुनीत गायब हुआ उस दिन उसका बर्ताव कैसा था? साहब वो काफी परेशान सा था और घबराया हुआ था साहब। परेशान था घबराया हुआ था, क्यों? उसकी वजह तुमने जानने की कोशिश नहीं की? हाँ मैंने उससे कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आप लोगों को मालूम है पुनीत की परेशानी की वजह क्या थी? साहब पक्का तो नहीं मालूम, मगर शायद वो रमेश जी की वजह से परेशान होंगे। रमेश? कौन रमेश? वो साहब कोई नहीं साहब, कोई नहीं। देखो अपने मालिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बात है खोल के बोलो।
साहब, जिस दिन पुनीत जी गायब हुए थे उसके ठीक एक दिन पहले रमेश जी भी गायब हुए थे। रमेश गायब हो? ये रमेश यहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था? जी साहब। आपने रमेश के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? मैं लिखाने जा रहा था साहब, पर इन साहब ने मना कर दिया। साहब मैं घबरा गया था कि पुलिस के चक्कर में कहीं मेरी इस फैक्ट्री को ताला ना लग जाए। ताला तो अब भी लगेगा आपके फैक्ट्री में। विनीत, फैक्ट्री को सील कर दो। यस सर। यहाँ तब तक काम नहीं होगा जब तक हम इस केस के जड़ तक नहीं पहुँचाते, समझे? अरे साहब ऐसा मत कीजिए, इस फैक्ट्री से कई मजदूरों के घर चलते हैं। क्यों मालिक, आज हमारे घरों की बड़ी फिक्र हो रही है। नहीं गगन, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। हाँ देख लेना। जरूर इस पुनीत के खून का राज रमेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बात तो पक्की है कि ये उंगली पुनीत की है। हाँ बॉस, और ये बात भी पक्की है कि इसका खून इसी चाकू से हुआ है जो आपको झील में मिला था। कुछ नई बात बता सकूंगी? नई बात बताने के लिए बुलाया, आओ। ये देख रहे हो क्या है? पानी। रेडी सर, पानी के ऊपर तैरता हुआ कुछ नजर आ रहा है। तेल? बिल्कुल, और ये तेल मिला है मुझे पुनीत जी के पेट में। मतलब समझते हो इसका फ्रेडी? समझ गए सालूंगे साहब, झील की पानी में तेल था जो पुनीत के पेट में चला गया। नहीं फ्रेडी, ये तेल पहले से इनके पेट में था। सर कहीं पुनीत ज्यादा तला हुआ खाना तो नहीं खाता था? नहीं 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 फ्रेडी, तला हुआ खाना खाने से ये तेल पुनीत के पेट में नहीं आया है। ये तेल पुनीत को पिलाया गया है, जबरदस्ती पिलाया गया है। सर पुनीत जी तेल की फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो फिर वहीं कहीं। बिल्कुल सही रजत, बिल्कुल सही। पुनीत की मौत का राज वहीं पर छुपा हुआ है जहां पर ये काम कर रहा था, उसी ऑयल फैक्ट्री में। पुनीत तुम यहां पे देखो, मैं वहां देखता हूं। सर एक काम करो, मेरे गाड़ी में से खोदने के लिए कुछ सामान लेके आओ। यस सर। प्लीज खोदना शुरू करो। सर कहीं रमेश की लाश तो नहीं? साहब जिस दिन पुनीत जी गायब हुए थे उसके ठीक एक दिन पहले रमेश जी भी गायब हुए थे। हो सकता है, जिस बात का डर था वही हुआ। एक काम करो विनीत, इस ऑयल फैक्ट्री के मालिक और यहाँ के वर्कर्स उन सबको यहाँ पे बुलाओ। यस सर। साहब ये तो रमेश है। रमेश की लाश को यहाँ गाड़ रखा है और हम में से किसी को कुछ खबर नहीं। तो मिस्टर हरीश क्या कहना है आपका? मैं क्या कहूँ सर, मुझे नहीं मालूम कि ये लाश यहाँ कैसे आ गई। लाश? इस लाश का नाम रमेश है। इसका नाम जरा इज्जत से लीजिए, आपकी तिजोरियां भरने में इसने भी खून पसीना बहाया है, समझे? सर इस रमेश को भी उसी तरह चाकू घोप कर मारा गया है
जिस तरह पुनीत को मारा था। इसका मतलब है दोनों का खूनी कोई एक ही है और वो खूनी इस फैक्ट्री में से कोई है। नहीं नहीं साहब, हम में से कोई रमेश जिंग को क्यों मारेगा, ये तो हमारे दोस्त थे। कौन किसका दोस्त था और किसका दुश्मन बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो कैसे? आज शाम 7 बजे एमआई रोड पे एक गवाह पुनीत का नाम बताने वाला है, उसने खुद पुनीत का खून होते हुए देखा है। क्या? जी हाँ। बस आज शाम तक का इंतजार है, फिर पता चल जाएगा खूनी कौन है और वो होगा सलाखों के पीछे। तुम जिंदा हो? तुमको क्या लगा मैं मर गया? ये सब बुलेट प्रूफ जैकेट का कमाल है, ये देखो। रुक जा। रुक जा। सर जल्दी जल्दी। ये आदमी हाथ से छूटना नहीं चाहिए। सर ये तो हाईवे की तरफ भाग रहा है। हाईवे तक पहुंचने से पहले ही फोन कर लेंगे फ्रेंड। घूंघट तो उतार। तुम हो? क्या सोचा था सीआईडी से बच के भाग जाओगे? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए मुझे साहब। दो खून हो गए साहब। चुप। दो खून करने को तुम गलती कहते हो? गलती बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने। क्या करता साहब, और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं था, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी सुनाओ। मैं साहब रमेश के साथ मिलकर मैं फैक्ट्री से तेल चोरी करता था और फिर उसी तेल में मिलावट करके बाजार में ऊंचे दामों में बेचता था साहब। जिस थाली में खाते थे उसी थाली में छेद करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कभी कभी इंसान पैसे की लालच में अपने रास्ते से भटक जाता है साहब। मैं भी भटक गया था साहब, और शायद रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो मुझसे कहने लगा था कि बहुत जल्द ये सब बंद करना होगा। मेरी बात को समझ दिलीप, बेईमानी के घी की रोटियों में वो सुकून नहीं है जो ईमानदारी की रूखी सूखी रोटियों में सुकून है। हाँ। अच्छा बेटा, तेरा पेट भर गया तो अचानक से तेरे जमीर में ईमानदारी के दीपक जलने लगे। एक बात याद रख,
ईमानदारी के दिए को गरीबी की हवा के झोंके पल भर में बुझा देते हैं। नहीं नहीं दिलीप, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने मालिक को और ज्यादा धोखा नहीं दे सकता, इसलिए आज से इस काले धंधे में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता भाई। बस तू मत दे मेरा साथ, मैं ये काम अकेला भी कर सकता हूँ। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मालिक को सब कुछ बता दूंगा। तो ईमानदारी की चिंगारी इतनी भड़क चुकी है, तो आज मैं तुझे दिखाता हूँ इस चिंगारी को मैं कैसे बुझाता हूँ। चलो ले चलो इसे ले चल। चलो चलो जल्दी चलो। संभालो संभालो संभालो, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, कोई देख ना ले। जल्दी खोलो, जल्दी करो, कोई देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जल्दी करो, इधर से खोदो, खींचो इसे। डाल दो, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने देख भी लिया है और सुन भी लिया है, मैं रमेश की कुर्बानी हुई बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना वरना मैं वरना वरना क्या कर लोगे? अगर तुमने अपना मुंह किसी के सामने खोला तो तुम्हें भी यही सुला दूंगा इसके साथ। मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, तुम लोग आज ही अपने आप को CID के हवाले कर दो, वरना वरना मैं खुद CID को फोन लगाऊंगा। पुनीत, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, सोच लो, वरना तुम्हारा भी एक बेटा है ना। जाओ सोच समझ लो अच्छी तरह। रमेश का खून करते हुए पुनीत ने तुम्हें देख लिया तो तुमने पुनीत को भी मार डाला। पुनीत को मैंने उसकी जिंदगी बचाने का मौका दिया था, नोटों से मैंने उसका मुंह बंद करना चाहा था, लेकिन वो अपनी गरीबी में ही खुश था। पैसों की चमक से भी उसकी ईमानदार आंखें चुंधिया नहीं पाई साहब। क्योंकि सच्चा इंसान था वो, एक सच्चा इंसान जिसकी ईमानदारी तुम खरीद नहीं सके, और फिर इसलिए तुमने उसका हाथ मशीन में डाल दिया। हाँ साहब, लेकिन वो खुश नसीब था कि उस समय बच गया। तो फिर क्या सोचा तुमने? सोच लिया मैंने, मैं CID के पास जाऊंगा। जब सोच लिया है तो फिर काम पे लग जाओ। ए, क्या कर रहा है? ए, चल, बने चल, ये क्या हो रहा है? ए, चल, 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 चलो चलो आना, चलो भागो, छोड़ दो छोड़ दो, भागो भागो भागो। अरे पुलिस पुलिस कैसे हो गया भाई? पुलिस पुलिस फोन लगाता हूँ। पुलिस जी, राहुल तुम्हारे पापा का हार्ट मशीन में आ गया बेटा, हम सब संभाल रहे बेटा, तुम जल्दी आ जाओ बेटा। और तुम उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच गए इस मौके की तलाश में कि कब उसे मार सको। हाँ साहब, और वो मौका मुझे मिला पुरानी झील के पास, जहाँ पुनीत आया था वो चाकू लेने, जिस चाकू से मैंने रमेश का खून किया था, और वो चाकू लेकर आपके पास आने वाला था, इसीलिए मैंने उसी चाकू से उसका भी खून कर दिया, और फिर सबक सिखाने के लिए मैंने उसके मुंह में वही तेल डाल दिया। तो छोड़ दे, नीचे ले इसको, नीचे बिठा, वो खोल इसका। और उसी तेल ने तुम्हें पकड़वा दिया,
तुम्हारे जुर्म की पूरी दास्ता कह दी उस तेल ने। अब सरते बैठना जेल की सलाखों के पीछे, फांसी का ऑर्डर आने तक हिसाब लगाते बैठना कि कहीं ये बेईमानी का तेल तुम्हें महंगा तो नहीं पड़ा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।